मिस्र। प्राचीन मिस्र की सभ्यता को केवल एक धुंधली सी दुनिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां मन और आत्मा किसी विज्ञान कथा या किसी अमर पहेलियों और दिव्य अजूबों से भरी मनमोहक परी कथा में फंसे हुए हैं। मिस्र की पौराणिक रेत के नीचे इतिहास के कुछ सबसे अनसुलझे रहस्य दबे हुए हैं, जो आज तक तर्क और वास्तविकता की अवधारणाओं को चुनौती देते रहते हैं। मिस्र सबसे अधिक शोधित प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि पिछली दो शताब्दियों से यह अनगिनत इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का जुनून रहा है। लेकिन मिस्र को लेकर हमारा आज भी वही सवाल है, क्या मिस्र का विज्ञान पूर्व संस्कृति से विरासत में मिला था? कभी कभी खोए हुए शहरों और अतीत के रहस्यों को खोजने के दौरान प्राचीन तकनीक के सुराग मिल जाते हैं। ये सुराग प्राचीन चित्रों या नक्काशियों में पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के हाथोर मंदिर में विद्युत उपकरणों के चित्रण और कुछ मामलों में उपकरणों के छोटे मॉडल भी मिलते हैं, जैसे बोगोटा गोल्ड संग्रहालय में प्रदर्शित लघु ठोस सोने के हवाई जहाज, और प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण या बाइबल में भी ऐसी तकनीकों का उल्लेख मिल सकता है। तो क्या वास्तव में प्राचीन काल में उन्नत तकनीकें और सभ्यताएं अस्तित्व में थीं? आज की दुनिया प्राचीन दुनिया से इस मायने में बिल्कुल अलग है कि आज हर आदमी के पास बिजली, गाड़ी, फोन, फैक्स और कंप्यूटर जैसी चीजें मौजूद हैं। वही प्राचीन काल में उच्च तकनीकें आम लोगों से कोसों दूर थी, और इनका इस्तेमाल अक्सर अलग अलग धार्मिक मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था, ताकि लोगों को चकित या भयभीत करके उन पर नियंत्रण रखा जा सके। और यह काम भी अलग अलग धर्मों की पूजा पाठ और रहस्य का हिस्सा हुआ करता था। जॉन एंथनी वेस्ट, प्रसिद्ध लेखक और टेलीविजन वृत्त चित्र मिस्ट्री ऑफ द स्फिंक्स के प्रस्तुतकर्ता जॉन एंथनी वेस्ट ये दावा करते हैं कि मिस्र का विज्ञान, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान सभी आधुनिक विद्वानों की स्वीकृति से कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल थे। उनका मानना है कि संपूर्ण मिस्र की सभ्यता सार्वभौमिक नियमों की पूर्ण और सटीक समझ पर आधारित थी। यह गहन ज्ञान एक सुसंगत, समग्र और परस्पर जुड़े हुए सिस्टम में था, जिसने विज्ञान, कला और धर्म को मिस्र में एकल जैविक एकता में मिला दिया था, और दूसरे शब्दों में यह आज की दुनिया से बिल्कुल विपरीत था। मिस्र में खुदाई के दौरान अक्सर विस्मयकारी खोजें सामने आती रहती हैं, जिनमें दबी हुई प्राचीन तकनीकें भी शामिल हैं। और इससे भी रहस्यमय तथ्य यह है कि मिस्र का ज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में ही पूर्ण विकसित प्रतीत होता है। विज्ञान, कलात्मक और स्थापत्य तकनीक और चित्र लिपि प्रणाली, इन सभी क्षेत्रों में विकास की किसी भी स्पष्ट जानकारी का अभाव है। और वास्तव में शुरुआत की उपलब्धियों को आने वाली उपलब्धियां ना तो पार कर सकी और ना ही उनकी बराबरी कर सकी।
मिस्र विशेषज्ञ इसे स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की चर्चा करने से बचते हैं। आज भी मिस्र की सभ्यता इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है। रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे प्राचीन शहरों में से निकाली गई शानदार पिरामिड, मूर्तियां और कलाकृतियां इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले मिस्र में एक अत्यंत विकसित सभ्यता मौजूद थी। और इसमें भी सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये जटिल तकनीकें और कलात्मक प्रतिभा अचानक से अस्तित्व में नहीं आई, बल्कि ऐसा लगता है कि ये पहले से ही मौजूद थीं। विकास की वह धीमी प्रक्रिया जो हम अन्य सभ्यताओं में देखते हैं, वे सभी मिस्र में नदारद हैं। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम पाते हैं कि मिस्र के लोगों के पास खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ थी, जो उस समय के लिए असाधारण थी। और शायद यही कारण है कि मिस्र की सभ्यता को आज भी उतनी ही रहस्यमय और मनमोहक माना जाता है। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरे भरे पौधे के समान हो सकती है, जो अचानक प्रकट हुई और एक उन्नत संस्कृति जिसने हजारों सालों तक दुनिया को अचंभित किया। क्या कोई सोच सकता है कि कभी किसी ने लकड़ी के पहियों वाली गाड़ी से सीधे तौर पर अंतरिक्ष यान का आविष्कार किया? यही वह सवाल है जो हमें मिस्र के पिरामिडों और उसकी जटिल संरचना को देखकर उठता है। खुदाई में मिली वस्तुएं तो बताती हैं कि वहां के लोग हजारों साल पहले ही ज्योतिष विद्या, गणित और वास्तुकला में निपुण थे, मगर ये ज्ञान उन्हें अचानक कहां से मिला? ये वह रहस्य है जिसे इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।